जय श्री कृष्णा बच्चों आज हम पढ़ रहे हैं आपके हिंदी की किताब से पार्ट तीन अपनी वस्तु इसमें इसमें कहानी है और इसमें दो भाइयों की कहानी है जो कि अपने पूर्वजों की जमीन के लिए झगड़ रहे थे आपस में तो इस कहानी में अपनी वस्तु यानी अपनी जमीन का हक जता रहे थे वो एक भाई कहता है ये जमीन मेरी है और दूसरा भाई कहता है ये जमीन मेरी है अपनी वस्तु के लिए कि ये मेरी है इसके लिए वो दोनों झगड़ रहे थे तो इस कहानी में हम पढ़ेंगे कि एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे मार्ग में उन्होंने एक स्थान पर दो व्यक्तियों को ऊंची आवाज में बोलते सुना एक महात्मा जी जा रहे थे मार्ग में मार्ग यानी रास्ता रास्ते में उन्होंने एक स्थान पर स्थान यानी जगह एक जगह पर उन्होंने दो व्यक्तियों को ऊंची आवाज में बोलते सुना था बहुत ऊंची आवाज का मतलब जोर से बोल रहे थे आपस में जोर से बोल रहे थे दोनों ही हाथों में लठ लिए हुए एक दूसरे के प्राण लेने को उद्यत दिखाई देते थे दोनों के हाथों में क्या था लठ था बड़ी सी लकड़ी थी दोनों के हाथों में और एक दूसरे के प्राण लेने के लिए प्राण यानी उनकी एक दूसरे की जान लेना चाहते थे उद्यत उद्यत मीन तैयार तैयार दिखाई देते थे कि अब तो एक दूसरे की जान ही ले लेंगे एक कहता था कि यह भूमि मेरी है और मैं इसका स्वामी हूं आप ये चित्र देख रहे हैं ना इसमें दो भाई हैं ये और दोनों जने आपस में लड़ाई कर रहे हैं अब इसमें एक कहता है कि यह भूमि मेरी है भूमि जमीन यह जमीन मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ स्वामी का मतलब मालिक मालिक मैं इसका मालिक जबकि दूसरा, उस को अपनी बतला रहा था, दूसरा भाई क्या कह रहा था कि नहीं यह जमीन तो मेरी है उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व जतलाने के लिए दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे अपना अपना स्वामित्व यानी वो कह रहा था कि इसका मालिक मैं हूँ इस भूमि का मालिक मैं हूँ और वो दूसरा वाला भाई कहता है कि नहीं इस भूमि का मालिक तो मैं हूँ और दोनों ही अपना मालिकाना हक जताने के लिए दोनों क्रोध से यानी गुस्से से लाल पीले हो रहे थे अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे जमीन को वो भाई एक भाई अपनी बताता है तो दूसरा अपनी वो कहता नहीं उस समय ये हुआ था उन्होंने ये जमीन मुझे दी थी वो कहता है, नहीं इस समय ये जमीन मुझे मिली थी दोनों दोनों अपने पक्ष की दलील यानी अपनी बात रख रहे थे संत महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु और परोपकारी होते हैं दयालु दयालु का मतलब जो सब पर दया दिखाते हैं सब उनके मन में दया के भाव होते हैं सबके साथ दया करते हैं और परोपकारी यानी जो दूसरों पे उपकार करते हैं दूसरों की हमेशा भलाई करते हैं तो संत महात्मा जो होते हैं वो स्वभाव से ही दयालु और परोपकारी होते हैं सदैव सबका भला ही चाहते हैं मतलब हमेशा हमेशा वो सबका भला ही चाहते हैं उन्होंने मन ही मन विचार किया कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ ही अपने प्राण गमाने पर तुले हुए हैं अतएव उन्हें समझा बुझा कर शांत करने और इनका आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए अब महात्मा जी ने मन में क्या विचार किया कि ये जो दो भाई हैं, ये लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं आपस में और व्यर्थी यानी फालतू में ही अपना प्राण गंवाने पर तुले हुए हैं व्यर्थी अपनी जान देने को उतारू हो रहे हैं अतयव इन्हें समझा बुझाकर शांत करने और इनका आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए मतलब आपसी तालमेल बैठाना चाहिए कि ठीक है बैठकर बातचीत करो आपस में लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हो तो ये हमको प्रयास करना चाहिए यह सोचकर वे उनके निकट गए मतलब उनके उन दोनों भाइयों के पास गए और उन्हें संबोधित करते हुए बोले हे भद्र पुरुषों तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो तो महात्मा जी उनके पास जाके उनसे पूछने लगे कि भाई तुम कौन हो और आपस में क्यों झगड़ा कर रहे हो दोनों जने महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला महात्मन हम दोनों भाई हैं अब देखो दोनों भाई हैं भाई हैं लेकिन आपस में झगड़ रहे हैं एक व्यक्ति बोला था कि महात्मा जी हम दोनों भाई हैं हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ फिर भी ये व्यर्थ ही झगड़ा कर रहा है उनमें से एक भाई बोला था कि हम दोनों तो भाई हैं लेकिन हमारे पिताजी ने मरते वक्त अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था यानी उनके पिताजी के पास जो जायदाद थी उसको मरते वक्त उन्होंने बंटवारा किया था और उसी के अनुसार इस भूमि का मालिक तो मैं हूँ फिर भी यह व्यक्ति झगड़ा कर रहा है और दूसरा व्यक्ति तत्काल चिल्ला उठा अब जब अपन लोग क्या करते हैं, जब दो जने होते हैं एक व्यक्ति अपना पक्ष रखता है तो दूसरे को उसकी बात छूटी लगती है और वो दूसरा चिल्ला के कहता है नहीं नहीं ये झूठ बोल रहा है तो दूसरा व्यक्ति भी तत्काल चिल्ला उठा महाराज यह बिल्कुल झूठ बोल रहा है यह भूमि इसके भाग में नहीं बल्कि मेरे भाग में आती है इसलिए इसका असली मालिक तो मैं हूं यह झूठ मूठ ही अपनी बतला कर और मुझे डरा थमका कर इसे अपना बनाना चाहता है एक भाई ने क्या कहा था कि महात्मा जी हम दोनों भाई हैं और पिताजी ने मरते समय अपनी संपत्ति का बंटवारा किया था उसके अनुसार इस भूमि का मालिक तो मैं हूँ लेकिन दूसरा भाई क्या कहता है कि नहीं यह झूठ बोल रहा है यह भूमि इसके भाग में नहीं है मतलब इसके हिस्से में ये जमीन नहीं आई है ये मेरे हिस्से में आई है इसलिए इसका असली मालिक तो मैं हूं और यह झूठ मोटी मेरी इस जमीन को अपना बल बतला रहा है और मुझे डरा धमकाकर इसे हड़पना चाहता है मुझे यह डरा डरा दर, रहा है मुझे धमका रहा है और ये मेरी जमीन को हड़प लेना चाहता है ऐसा दोनों भाइयों ने अपनी अपनी बात महात्मा जी के सामने रखी ये कहता है मेरी जमीन है और ये भाई कहता है मेरी जमीन है दोनों अपना अपना अधिकार इस पर जता रहे थे